हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट व्यंजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ आता है, फ्रेंड्स उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगी, उसे भी प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। फ्रेंड्स, ये मसाला कढ़ी लेके मैं आई हूँ आज आपके लिए। फ्रेंड्स, इसको मैं शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, इसको आप देखिए और एक बार बनाइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कढ़ी बनाते हैं, मसाला कढ़ी बनाते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये दही लिया है, 2 कटोरी दही है, ये 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है और ये मैंने प्याज कट करके रखा है। फ्रेंड्स, इसको जो पकौड़े बनते हैं उसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज पकौड़े डालूँगी मसाला कढ़ी में। तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसन में हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके पकौड़ों को बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे और फ्रेंड्स थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डालेंगे जो पकौड़े बनाएंगे उसमें। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसमें नमक डाल दीजिए, पकौड़ों में नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को हम इसका बैटर तैयार करेंगे, फिर इसमें प्याज डालेंगे। जब ये अच्छे से इसको फेंट लेंगे फिर इसमें प्याज डालेंगे, जैसे पकौड़े के लिए बनता है। बेसन को इतने अच्छे से फेंट लेंगे कि इसमें ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा, फिर इसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। फ्रेंड्स, ये बेसन हमारा हो गया है, फेंट गया है अच्छे से। अब इसमें प्याज डालेंगे कढ़ी में पकौड़े बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, अगर तीखा और करना है हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसको इसमें फिर हम मिक्स कर देंगे प्याज को सारा बेसन में। ऑयल गर्म हो गया है मेरा और इसमें अब हम पकौड़े डालते हैं बनाने के लिए। इसमें फ्रेंड्स, ये कढ़ी में प्याज के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। कढ़ी तो कई तरीके से बनाती हूँ मैं फ्रेंड्स, आज प्याज पकोड़ा वाली कढ़ी बनाते हैं तो दिखाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कढ़ी में। वैसे तो प्लेन पकोड़े भी कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसको पलटते रहिए जैसे जले नहीं। पकौड़े हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही बाकी भी तल लेंगे, बाकी और पकौड़े भी ऐसे ही बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं कढ़ी के लिए और ये दही है। फ्रेंड्स, इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे दही में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बेसन को कोई लम्स ना रहे, इतने अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए इसमें, जिससे हम कढ़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है दही में। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे जो मैंने बनाया है पेस्ट, इसी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको।
फ्रेंड्स, इसमें डालने के लिए मैंने ये सामान ले लिए है। लहसुन का पेस्ट है और ये कद्दूकस की हुई अदरक है, और फ्रेंड्स ये हाफ टी स्पून मेथी, और ये राई, और ये दो साबुत मिर्च हैं। इनको बाद में यूज़ करेंगे, मिर्च और राई को। अभी हम इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे थोड़ा सा। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सब निकाल लिया मैंने, बस बनाने के लिए छोड़ा है थोड़ा सा। इसमें हम मेथी डालेंगे, मेथी के बिना तो कढ़ी का टेस्ट ही नहीं आता। और हींग डालेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई अदरक। फ्रेंड्स, इसमें अदरक डालिए थोड़ा सा। लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। फ्रेंड्स, हल्दी डालिए इसमें। ये सब जितनी क्वांटिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप मसाले वगैरह का आप ले लीजिएगा, जितनी कढ़ी बनानी हुई। तो फ्रेंड्स, इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला भी डालेंगे। मसाला कढ़ी है तो गरम मसाला तो थोड़ा पड़ेगा ही इसमें। फ्रेंड्स, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दें। फ्रेंड्स, मेरा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें भी ये बटर डालेंगे, बनाया था मैंने। बेसन थोड़ा सा डाल दिया था इसलिए दही फटेगा नहीं। फ्रेंड्स, बेसन थोड़ा सा मिलाया जाता है, बाकी तो कढ़ी पूरी दही में ही बनती है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा थिक ज़्यादा हो जाएगी अभी बनने पर, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, जिससे बहुत गाढ़ी नहीं हो जाए आपकी ये कढ़ी। पानी ऐड कर दीजिए। अब इसमें फ्रेंड्स नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए और इसको बनने दीजिए। फ्लेम हाई कर दीजिए, इसको बनने पकने दीजिए। फ्रेंड्स, ये अच्छे से तैयार हो गई है बनके। अब इसमें हम पकोड़े जो बनाए थे वो डालूंगी मैं। इसमें पकोड़े डाल दीजिए, इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही बनने दीजिए। पकौड़े डालने के बाद भी 3-4 मिनट तक इसको आप फ्लेम पर ही रखिए। फ्रेंड्स, कढ़ी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने राई और मिर्च लिया था, साबुत मिर्च ली है, और ये करी पत्ता है। फ्रेंड्स, इसका मैं तड़का लगाऊंगी कढ़ी में ऊपर से, तो इसका तड़का बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैं कढ़ी को सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये कढ़ी मैंने बाउल में निकाल लिया है, इसे आप सबको सर्व कीजिए, खिलाइए। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी होती है, एक बार बनाइए, इस तरीके से भी खा कर देखिए। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू।